उनके देखिए गाइस अजान को, अजान भी लगे हुए हैं, खाने में मसरूफ। और ये देखिए हमारे बच्चे, और ये भी, और हाँ ये भी खा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम। और ये देखिए खाओगे अजान अरमान? और कंबल इसे बिछाया क्यों है, ये लो, डर लग रहा है इसको। माइटी फैमिली, तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है अपना, और देखिए मैंने मेकअप भी रख लिया है, और वो कस्टमर भी आ गई हैं जिनको मैं आज वलीमा मेकअप करूंगी। और अजान को देखिए यहाँ पे, अजान आया ना, अजान को भी खिलाओ पापड़, अजान को रखो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के आलू, तो मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा देर, मैंने ना जो है ना सालन करने के लिए रखा हुआ है, और अभी मसाला भून रही हूँ और बेसन के आलू निकाल के बस वो डाल दी, उसमें शोरबा डाल दी हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, वो आने वाली है, बस वो अपना कुछ चीज़ भूल कर आ गई, तो वो लेने के लिए गई है। अजान को मैंने बिठा दिया है, अजान और बैठे हुए हैं, और मैं अब आटा गूंद रही हूँ, रोटियाँ बनाऊंगी, सालन मैंने अपना बना लिया है, मैं खाती हूँ आप सबको। यहाँ पे देखिए हमारे बेसन के आलू बन के तैयार हो गए हैं, और पतीली पे ना ही चाहिएगा, थोड़ी हालत बुरी हो रही है क्योंकि कतली मैंने जो है ना इसी में बनाई थी, और फिर इसी में कतली को निकाल लिया था मैंने, और इसी के अंदर फिर मैंने बेसन के आलू का मसाला भून के वो बेसन के आलू डाल दिए, क्योंकि अब वही बात कि जल्दी जल्दी का झटपट से बनाना होता है ना, तो फिर मैं धोना करना नहीं करती, क्योंकि वो भी ऑयल भी था उसके अंदर। अभी मैंने साइड में निकाल के रख ली, और यहाँ पर हमारे बेसन के आलू बन के हो गए तैयार, और अभी खाना खाएंगे तो जल्दी से रोटियाँ बना लें, पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी अभी। ये है जी भीम के लड्डू। भीम के नहीं है, फिर ये तो तिल के लड्डू है। अच्छा, भीम का तो दूसरा होता है। अरमान के लिए लाए हैं पापा, ये उसको खांसी हो रही है ना। और जी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये लड्डू लाए, चलो दिखाते हैं क्या लेकर आए आज। ये लो, अभी मेकअप वगैरह करके रुक जाओ, अभी मैं दूंगी हाँ तुम्हारे हाथ, अभी रुक जाओ, आयान गंदे। तो जी आयान के पापा लेकर आए 10, 10, 1, 2, 3, 4। तो इसमें गैस करें और बताइए क्या है। मैं ये इसके अंदर सूप और पंजे। वाओ, तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं एक वाला सूप, बहुत दूर से लाए हैं ये, और ये लेकर आए हैं पंजे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने यमी और कितने टेस्टी होते हैं ये वाले पंजे, और कितने मज़ेदार भी। तो अभी हम सूप में ही इसको डाल के गरम करेंगे, और ये देखिए गर्मा गर्म है और बहुत ही मज़ेदार है। तो अभी खाएंगे, सूप को भी गरम करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो भाई सूप और जो है ना पंजों का हम लोग करेंगे आगे चल के चैलेंज, और याद ने वीडियो बना दी तो सारी वीडियो ख़राब कर दी, यानी कि मेरी जो है ना फ्रॉक सही नहीं थी, नीचे से मतलब वो उठी हुई थी, ऊपर की तरफ तो बताया भी नहीं, और जो है ना हमने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा, इतने पैसे लगाए चैलेंज पर, और इसने वीडियो ख़राब कर दी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चले मैं आपसे तो शेयर कर दूँ, तो आप लोग देखिएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग क्या करें और कौन सा चैलेंज करें या नहीं करें, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस आज का व्लॉग इतना छोटा सा ही बनाया, मैंने सोचा चले आप सबसे शेयर कर दूँ। मैं पंजों को याद ही कर रही थी कि मेरे हस्बैंड लेकर भी आ गए, मेरी तबीयत सही नहीं थी जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो इन्होंने कहा कि अभी ये खाओगी तो सही हो जाएगी थोड़ी सी तबीयत आपकी, ये जुकाम वगैरह भी ठीक हो जाएगा। तो ये सूप और ये पत्ते लेकर आ गए थे, और ये अक्सर लाते ही रहते हैं वहाँ से शाह फैसल से, और ये बड़े यम्मी और मज़ेदार होते हैं, और काफ़ी टेस्ट अलग होता है, और ये बने बनाए मिलते हैं, तो ये लेकर आ जाते हैं। बनाने मुझे आते भी नहीं वैसे, तो बस खाने आते हैं वही काफ़ी है। पहले तो शादी से पहले तो हम ये खाते भी नहीं थे, और अब यहाँ पर अपने हस्बैंड
और वो देख देख के मैंने ये खाना सीख लिया। तो यहाँ पे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत जुकाम हो रहा है, तो आप लोग दुआ करिए मेरे लिए। ये देखिए गाइस, अजान को अजान भी लगे हुए हैं, खाने में मसरूफ। और ये देखिए हमारे बच्चे, और ये भी, और हाँ ये भी खा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम। और ये देखिए खाओगे अजान अरमान, और कंबल इसे बिछाया क्यों है, ये लो, डर लग रहा है इसको। और अभी मैं भी खा रही हूँ। तो आयान और आयान के पापा कर रहे हैं चैलेंज। आयान मैं किसके साइड हूँ? बोले नहीं नहीं चैलेंज नहीं, मैं खा जाऊंगा सारे। उसने भी फेंक दिया, देखो आया आया। अजान को डर नहीं लग रहा, लेकिन उसको लग रहा है अरमान को। मैं खुद डर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। हेलो गाइस, ये देखिए इतने हैं इसमें, और अभी मम्मा खाएंगी या पापा, तो आप लोगों ने बताना है। तो हम लोग कर रहे हैं छोटा सा चैलेंज, और हमें अभी याद आया जब सारे खत्म हो गए पंजे हमारे। मुन्ने बीच में से बैठ जाओ, आप बताना है कौन खा रहा है ज्यादा कौन नहीं। और अरमान के साइड है, पापा के साइड अरमान है, अजान मेरे साथ नहीं, है। नहीं। अच्छा चलो चलो, मैं पापा के साइड। चलो 1 2 3 गो, चलो स्टार्ट। खाओ 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 पापा, जल्दी जल्दी। ये पापा का ही खत्म होने वाला है, देखे एकदम से खा लिया पूरा। कितनी है इसमें? ये 2 4 5 है, 5 बची है पापा, तुम खत्म करनी है। फेस नजर आ रहा है? ये पापा ने दूसरा उठा लिया। मम्मा गंदी दीवार, दीवार नजर आ रही है। 3 4 5 6 मैं पापा पूरा का पूरा मम्मा भाई देखना मैं ही जीतूंगा। 4 देते हैं, पापा ने दूसरा भी उठा लिया था। मम्मा अभी तक तो तुम्हें चैलेंज का जब से याद क्यों नहीं आया, जब हमने अब पूरे खा लिए अब तुम्हें याद आया। मम्मा जल्दी जल्दी खा, नेक्स्ट चैलेंज करें या नहीं करें गाइस वो बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट व्लॉग ना चैलेंज का रखेंगे। 2 बच्चे हैं पापा, जल्दी जल्दी सब पढ़ो सारे में। नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो। हाँ अब बोलो, हाथ डालो। पापा ने दूसरा भी उठा लिया, बाबा जीतने वाले हैं। ये देखिए 1 1 मैं खाऊंगी, रुक जाओ रुक जाओ, चेहरा दिखाओ। पापा उठा लो ना, एक अपने हाथ में उठा लो। ये उठा लिया, जीत दो नहीं। अभी देखते हैं कौन खाता है सबसे पहले। मम्मा दे देंगे आप तो। आया मम्मा, हार भी गई आपकी। अरे बाबा जीत गए। तुम चीटिंग कर रहे हो कहीं ना, पापा पूरे पूरे खा रहे हैं, तुम भी पूरे पूरे खाओ। पूरे पूरे खाने का था। और रहेगा ये है, गिरेगा ये रहा, ये रहा। मोबाइल पे गिरेगा। मम्मा के लाओ, मम्मा के लाओ। मैं जीत गया तो पापा विनर। नेक्स्ट चैलेंज कौन सा रखें, इंशाल्लाह आप बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक दे हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।